तो हेलो माय टू फैमिली, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वाले फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज एडिट करने वाले हैं। तो मेरे पास 2 से 3 दिन से मतलब भर भर के कमेंट आ रहे थे, भाई एक मतलब बैकग्राउंड चेंजिंग वीडियो बनाओ, मतलब फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर दिखाओ। कि मतलब बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मिस्टर डिजाइनर भाई बैकग्राउंड चेंजिंग का एक वीडियो ला दो, बैकग्राउंड चेंजिंग एक वीडियो। तो अब मैं बैकग्राउंड चेंजिंग एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ, ठीक ना। तो मैं आप लोग के लिए बैकग्राउंड चेंज वाला, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि आप पिक्सआर्ट के अंदर जब भी मतलब बैकग्राउंड को ऐड करते होंगे या पीएनजी को जो भी ऐड करते होंगे, तो हल्का सा मतलब धुंधला हो जाता होगा, ब्लर हो जाता होगा वो फ़ोटो, ठीक ना। तो वो फ़ोटो मतलब ब्लर हो जाता होगा, धुंधला टाइप होता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, बिना किसी देरी के चलते ही स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी देरी के। तो हम लोग इस वाले फ़ोटो को देखिए इस टाइप का एडिट किए हैं, पूरा खतरनाक तरीके से। देखिए ब्लर फोटो, हम लोग का फोटो बिल्कुल ब्लर नहीं हुआ था। वही चीज़ बताऊँगा आप लोग कहाँ से आप लोग मतलब बैकग्राउंड को ऐड कीजिए ताकि वहाँ से आप लोग का फोटो ब्लर नहीं होगा। तो वही चीज़ बताऊँगा, जल्दी बिना किसी देरी के चलते स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इस वाले फोटो को लेकर चलेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर बिना किसी देरी के। चलते स्नैपचैट वाले एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ देखते हैं हम लोग इस वाले फोटो के साथ क्या चीज़ करते हैं। अब देखिए हम लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन अंदर आ चुका है, देखिए अब क्या चीज़ करना है। तो स्नैपचैट एप्लीकेशन अंदर आने के बाद देखिए हम लोग अब क्या चीज़ करना है। तो हम लोग को देखिए फेस पर लाइट वेट सब बिल्कुल लो क्वालिटी में है, तो हम लोग हाई क्वालिटी में करते हैं। तो आप लोग भी हाई क्वालिटी में सब्सक्राइब कीजिए। तो टूल्स वाला ऑप्शन पर जाना है, फिर सेलेक्ट कराना है। सेलेक्ट हो जाए जहाँ पर लाइट कम है, फेस पर लाइट देखिए यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हम लोग फेस में लाइट को यहाँ से इंक्रीज करेंगे इस टाइप से। देखिए कितना अच्छा से गोरा हो गया हम लोग, ठीक। तो वैसे हम लोग गोरा हो जाते हैं, हम लोग को तो यहीं से गोरा हो सकते हैं भाई, नेचर बनाया ही नहीं है तो, ठीक। यहाँ से देखिए इस टाइप से हम लोग गोरा हो सकते हैं, ठीक। यहाँ से फ़ोटो को यहाँ से इतना डन कर देना, फेस पर हो गया। अब देखिए पैर पर हम लोग का लाइट कम है, तो यहाँ पर हम लोग पैर पर अपने लाइट को इंक्रीज करेंगे देखिए इस टाइप से, ठीक। इतना हो जाने के बाद फिर से टूल्स आएंगे, फिर सेलेक्टिव खोलेंगे, फिर से जहाँ जहाँ पर लाइट को कम है वहाँ पर लाइट को इंक्रीज करेंगे इस टाइप से। यहाँ पर देखिए हाथ पर भी कम है, तो हाथ पर भी लाइट को इंक्रीज करें ताकि हाथ भी गोरा लगे, ताकि पूरा फेस बॉडी सब गोरा दिखे, तभी समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़, तो यहाँ से हम लोग अच्छे से गोरा कर लेते हैं जो चीज़ है। यहाँ से फोटो को डन करते हैं, देखिए थोड़ा सा और बाकी है, तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं इस टाइप से, यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से इतना होने के बाद हम लोग यहाँ से अब फिर से टूल्स वाला ऑप्शन है, फिर डिटेल्स पाना है, हल्का सा शार्पिंग इंक्रीज करना है, मतलब 50 के रेंज के इधर ही रखना है, माइनस मतलब 40 से 45 के बीच में ही रखें। यहाँ पर डन कर दीजिए। यहाँ से डन होने के बाद हम लोग इस वाला फोटो को लेकर चलेंगे हम लोग ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, वहीं जो भी चीज़ है वो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर से ही होने वाला है, ठीक ना। तो वहीं से हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और बैकग्राउंड ऐड कैसे करना है, लिप्स कलर है, ट्रांसपोर्ट जो भी फलाना निकाना है, सारा चीज़ हम लोग ऑटोडेस्क वाले एप्लीकेशन के अंदर ही करेंगे। वहाँ से बिल्कुल भी आप लोग का फोटो ब्लर नहीं होने वाला। तो चलते बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं ऑटोडेस्क वाले एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग को क्या चीज़ करना है, क्या करना है, यहाँ से कैसे ऐड होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर ब्रश वाला टूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ब्रश का टूल है, इस पर आ जाना है आप सभी को आ जाना है, और सभी को आकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग ब्रश वाला टूल पाना है, ब्रश वाला टूल पाने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग को एक हार्ड इरेज नाम का एक यहाँ पर देखिए आइकन मिलेगा, आइकन नहीं ब्रश मिलेगा, ठीक। इस वाले ब्रश को देखिए ले लेना है आप लोगों, इसका देखिए साइज वाइज देखिए अपने हिसाब से, अपने फोटो के फ्रेम के हिसाब से साइज उसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग को यहाँ पर देखिए यही सब कुछ यही रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम लोग इस टाइप से इरेज करना है, तो सारा चीज़ बता रहा हूँ देखिए कैसे कैसे इरेज भी करना है, ठीक। यहाँ से देखिए हम जल्दी से इरेज कर लें, साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से, ठीक ना। यहाँ से इरेज कर लेना है, यहाँ से भी हम लोग इरेज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक। तो मैं भी यहाँ पर देखिए कैसे कैसे इरेज करना है, थोड़ा सा साइज़ को और छोटा कर लेते हैं ताकि देखिए। हाँ अब देखिए यहाँ से भी हम लोग अपने फोटो का साइज़ छोटा करके यहाँ देखिए इस टाइप से इरेज कर लेना है, ठीक ना। तो मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ से ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक। यहाँ से इरेज कर लीजिएगा, तो मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इतना हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए लेयर वाले ऑप्शन पर आना है, लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद देखिए फिर आप लोग को यहाँ पर टैप करना है, बैकग्राउंड लिखा है ना इस जगह बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर देखिए टैप करना है इस टाइप से, इससे भी हम लोग को टैप कर लेना है, जो आँख वाला है ना बैकग्राउंड में आँख, बस उसी आईज वाला पर क्लिक कर लेना है बैकग्राउंड में। यहाँ पर देखिए आई देखने के लिए आप लोग को मिलेगा,
ये जो आई है उसी आई वाले पर क्लिक करेंगे, देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए इस टाइप से यहाँ पर रिमूव हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से अपने बैकग्राउंड का फोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक, तो जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इस वाले टूल पर आ जाना है। इस वाले टूल पर आ जाने के बाद इस वाले टूल्स पर आ जाना है। इस वाले टूल्स पर देखिए आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पर ऐड फोटो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग अपने फोटो को ऐड करेंगे। सारा चीज़ बता रहा हूँ तो आप लोग भी सारे लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बनकर फैमिली कंप्लीट की, ताकि आप लोग को हेयर एडिटिंग डिटेल्स में बता सकूँ। ठीक, यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेना फोटो को हम लोग। तो यहाँ से हम लोग इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ठीक, इस वाले बैकग्राउंड के लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या चीज़ करना है। यहाँ तो मुंह पर हो गया, यहाँ से इसको हटाना कैसे है। यहाँ से अपन डन कर लेंगे, लेयर वाला ऑप्शन पाना है। ठीक, इस वाले जो हम लोग ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर को हम लोग इस जगह पर यहाँ पर मॉडल के नीचे लाएंगे। सबसे नीचे लाना है इस वाले लेयर को, सबसे नीचे लाना है। यहाँ पर देखिए कैसे आएगा, यहाँ प्रेस की दबाए रखिएगा और यहाँ पर सबसे नीचे ले आएगा इस टाइप से। देखिए बैकग्राउंड में चला गया ना, ऐसी सारा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। बस चैनल को दबा कर सपोर्ट दिखाई। ठीक, कोई न्यू चैनल फुल खोल कर देखिए सपोर्ट दिखाई। यहाँ से इतना हो जाने के बाद देखिए अब कैसे करना है। हम लोग को लेयर बनाए और जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, जो ये वाला लेयर है, इसी लेयर पर हम लोग टैप करेंगे। इस लेयर पर टैप करने के बाद मतलब इसी लेयर पर ले आना है। फिर हम लोग को यहाँ पर आना है। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ से देखिए मूव होने लगेगा। ठीक, यहाँ से इसको अच्छे से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, जूम करके। ठीक, यहाँ से इसको एडजस्ट कर लिए। अब फिर हम लोग मॉडल वाला जो फोटो है इसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेंगे। इसको इस टाइप से छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर इसको, देखिए इस टाइप से। अब यहाँ से इतना मंदिर में यहाँ से हम लोग फोटो को डन करेंगे। डन करने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या चीज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर लेयर ऑप्शन पाएंगे, एक नया लेयर लेंगे। यहाँ से अपने लिप्स का कलर करेंगे, जो भी कलर आप लोग को अच्छा लगे वहाँ से कर लीजिएगा। फिर देखिए इस वाले ब्रश को लेना, इसका सेटिंग देखिए थोड़ा सा कम कर लेना। कम करेंगे थोड़ा सा अपना लिप्स पर स्टेप चलाना। लिप्स पर चलाने के बाद इसका ब्लेंडिंग ओपेसिटी चेंज करके कम करना। ठीक, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हो जाने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड शॉर्ट लाइट कर देंगे। सॉफ्ट लाइट करके थोड़ा सा इसको ऑपोसिटी हम लोग कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब इतना हो जाने के बाद अब हम लोग अब क्या चीज़ करना है। अब हम लोग यहाँ से अपना मॉडल का हम लोग अब हेयर बनाएंगे। तो हेयर देखिए कैसे बनाएंगे। लेयर पर है मॉडल वाला लेयर पर जाना है। फिर देखिए इस वाले ब्रश को लेना है, देखिए अच्छे से चलाना है ताकि हम लोग का हेयर थोड़ा सा अच्छे से बने। ठीक ना, देखिए इस टाइप से चलाना है। मेरे तरह आप लोग भी सीख दिए हेयर ब्रश चलाना। ठीक ना, बस आप लोग मेरे को सपोर्ट दीजिए, मैं आप लोग को पूरा एडिटिंग में सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट टू सपोर्ट, ओके। तो आप लोग भी सपोर्ट दीजिए और मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूँगा। फिर करते हैं तबाही पूरा एडिटिंग में। ठीक ना, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी बिना किसी देरी के। ये थोड़ा साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं, सारा चीज़ बताऊँगा आप लोग को। बस ठीक ना, तो सारे लोग मिलकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर देखिए आप लोग कैसे मैं बताता हूँ एडिटिंग करना। ठीक ना, देखिए इस टाइप से हम लोग ब्रश चलाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए एकदम पूरा रियलिस्टिक लगने लगेगा फोटो आप लोग का भी। देखिए इस टाइप हम लोग अपने फोटो में हेयर को बना लेना है बिल्कुल इस टाइप से। देखिए अच्छे से ब्रश चलाना है ताकि फोटो एकदम रियलिस्टिक लुक आ जाए फोटो में।
करना है, यहाँ से इसको इरेज कर लेना है। सबसे पहले इसको इस साइड का इरेज कर लेंगे और इधर का लगाएंगे। ठीक, देखिए इस टाइप से इरेज कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, और इस साइड में लगाते हैं। देखिएगा अभी कैसे हो जाएगा। साइज पर आएंगे, थोड़ा सा हैंड रेस्ट को इंक्रीज करेंगे और अपने हैंड पर इस टाइप से लगा लेंगे। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके 1K फैमिली जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं अभी और ऐसा ही एडिटिंग ला सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।